नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ा, आज हम बात करने वाले हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बकरी पालन में। हर एक किसान दोस्त के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन कर रहे हैं, तो हरी घास में हम क्या क्या खिलाएं और सूखी घास में हम बकरियों को क्या क्या खिला सकते हैं, उसकी कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, और लगभग अगर एक बकरी को हमको महीने में कितना लगता है तो साल भर का कितना लगने वाला है, इस हिसाब से आप अपने यहाँ पर फार्म पर व्यवस्था करके रख सकते हैं। आज मैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हरीश यादव चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर में जब भी बकरी पालन से और मुर्गी पालन से संबंधित वीडियोज लेकर आऊं, आपको समय समय पर मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने सीरीज शुरू करी है बकरी पालन ट्रेनिंग के बारे में, जो मैं ऑनलाइन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूँ, आज हमारा ये 8वां वीडियो, अगर आप ऐसा पोल्ट्री फार्मिंग में भी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपको है ना, मैं वो एक सीरीज पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर भी लेकर आऊंगा कि फार्म किस तरीके से बने, चूजे कैसे लाएं, चूजों को बेदाना कैसे खिलाएं, इन सारी चीजों के बारे में है ना, मार्केट रिसर्च के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन में हरी घास और सूखी घास की महत्वता के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सूखी घास में क्या क्या चीजें हम खिला सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें खिलानी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर बकरियों की ग्रोथ हो सके, और हमारे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें जो है वो उपलब्ध है, क्या हम उन्हें अपने यहाँ पर खिला सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूखी घास। तो सूखी घास में सबसे पहला टॉपिक है हमारा चने का भूसा। चने का भूसा लगभग हर एक किसान दोस्त के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। हर एक किसान दोस्त के पास ये चीज मिल जाती है। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो चने का जो भूसा है वो आपको देखने मिल जाएगा, खेतों में मिल जाएगा, जो अभी सीजन चल रहा है इस टाइम पर आप ले सकते थे और ले सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे तो नॉर्मली चने का भूसा आपको मिल जाएगा। चने की जो खेती है वो नॉर्मली देखा जाए तो मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन प्रांतों में ज्यादातर की जाती है और बहुत ही मात्रा में की जाती है। जो और पशुपालक है इस है ना, चने की खेती का उपयोग जो है वो दूसरे जगह पर उपयोग नहीं करते, मतलब दूसरे जानवरों के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो हम बकरी पालकों के लिए चने का भूसा जो है वो बहुत ज्यादा है ना हेल्पफुल होने वाला है हमारे यहाँ पर बकरियों की फीडिंग के लिए। अगर हम बात कर लेते हैं चने का हो गया, फिर मसूर के भूसे की बात करते हैं, तो भाई मसूर की खेती जो है वो भी अगर हम देखें तो MP, बिहार, राजस्थान है ना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज्यादा की जाती है। तो बहुत सारे किसान दोस्त लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या हम मसूर का भूसा खिला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप मसूर का भूसा जो है वो नॉर्मल बकरियों को खिला सकते हैं है ना, ये बड़े चाव से बकरियां खाती हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, ऐसे होते हैं जो बकरियों को ग्रोथ करने के लिए काफी सहायक होते हैं। तो आप बेझिझक चने का मसूर का भूसा जो है वो उपयोग कर सकते हैं। और मैं इन भूसों की एक खास बात बता देता हूँ कि जब अपन थ्रेसिंग कर रहे होते हैं तो थ्रेसिंग करते समय इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में जो सप्लीमेंट के रूप में जो टूटन है ना, चाहे वो चने की टूटन हो चाहे मसूर की टूटन हो, इसमें रह जाती है जो हम उसे अलग नहीं कर पाते हैं। इससे भी ये जो भूसे हैं वो बकरी पालन में काफी मददगार हो जाते हैं, एक तरीके से अगर हम देखें तो सप्लीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तीसरा, अगर हम बात करते हैं राहर या जिसको अरहर का भूसा बोला जाता है ना, जो फलियां रहती है उससे जो निकलता है वो भूसा हो जाता है, और दूसरी जो उसकी पत्तियां होती हैं, दोनों बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। राहर की जो खेती है वो यूपी, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, यहां पर की जाती है और बहुत ही मात्रा में की जाती है, क्योंकि दलहनी जो क्षेत्र है यहाँ पर राहर की खेती जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है, और अन्य जो पशु है वो राहर के भूसे को नहीं खाते हैं। तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हैं, जैसे इसका सीजन आता है तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं बात अभी बता दूंगा कि कितना आप सूखा भूसा जो है वो पर गोट लगने वाला है, वो भी आप विशेष तौर पर ध्यान देखते हुए अपने यहाँ पर है ना, अपने यहाँ पर उस सूखे घास के भूसे को स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा हम बात कर लेते हैं
इनके मार्केट प्राइस की बात करते जाता हूँ, तो चने का जो भूसा है वो आपको नॉर्मली 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल जाएगा। मसूर का भूसा भी आपको 600 रुपए मैक्सिमम प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल जाएगा, है ना, आप अपने यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरीके से जो राहर का भूसा है वो भी इसी हिसाब से मिल जाएगा आप अगर अपने आसपास के क्षेत्र में पता करते हैं तो। और अगर आप बाहर कहीं से मंगाते हैं तो यही आपका कॉस्टिंग, ट्रेवल कॉस्ट बढ़कर, ट्रेवल के साथ साथ है ना दूसरे जगह से मंगाने पर कीमत थोड़ी सी आपको ज्यादा पड़ जाएगी। तो अगर आप सीजन रहते इस बात का ध्यान रखते हैं कि यार मुझे बकरियों के लिए साल भर के लिए स्टोर करके रखना है, तो मुझे समय रहते ही हमें इसकी खरीदारी कर लेनी चाहिए ताकि आपको समय पर सही कीमत पर ये भूसा जो है वो मिल जाए। चौथा पॉइंट है, आप मक्का या बाजरा का भूसा बनाकर खिला सकते हैं, है ना। मक्का और बाजरे को अगर आप चाहें तो साइलेज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साइलेज क्या होता है, इसको कैसे हम बकरियों को खाना खिला सकते हैं, खाने के रूप में ले सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि साइलेज कैसे तैयार किया जाए, है ना, उसमें कैसे हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप क्या कर सकते हैं, सूखी घास के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। साइलेज बहुत ही ज्यादा मददगार हो जाता है हर एक बकरी पालक के लिए जिसके पास हरी घास की व्यवस्था है परंतु सूखी घास की उपलब्धता नहीं है, तो वह उस हरी घास को किस तरीके से साइलेज के रूप में उपलब्ध करा सकता है बकरियों, कैसे उसको साइलेज में बना सकता है, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको चैनल पर देखने मिल जाएगा। आप जाकर है ना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आप चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां से आपको देखने मिल जाएगा। तो मक्के और बाजरे को आप सूखी घास के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पांचवा है, मूंग की फली, सोयाबीन का भूसा या मूंगफली की जो फली होती है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, है ना, सूखी घास के रूप में। जैसे मूंग की फली, मूंग का सीजन अभी चल रहा है तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। मूंगफली की जो फली होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन का जो भूसा होता है वो समय रहता है अगर आप इसको स्टोर कर लेते हैं तो आपके बकरी पालन के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई पर गोट कितना कंजम्पशन होता है, कितना पर गोट जो है वो खाती है, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। सूखी घास के ऊपर तो आपको महीने भर का और साल भर का पर गोट के हिसाब से कितना लगने वाला है। अब मान लीजिए प्रत्येक बकरी अगर मैक्सिमम अगर हम दिन के हिसाब से लेते हैं तो 1.5 से 2 केजी का निकलता है। अगर हम मैक्सिमम ले लेते हैं तो 2 केजी का एक एवरेज डाइट रखकर पकड़ कर चलते हैं कि 2 केजी अगर वो डेली खाती है तो साल मतलब महीने भर का वो 60 केजी खाएगी। इसी तरीके से अगर हम साल भर का लेते हैं तो वो 720 केजी का मैक्सिमम खाना खाएगी, 720 मतलब 7 क्विंटल 20 केजी के हिसाब से। और अगर हम कीमत पकड़ कर चलते हैं 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो ये कीमत भी आप निकाल सकते हैं कि 7×35 मतलब 3500 रुपए आपका टोटल वो साल भर का कॉस्ट, फीडिंग कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। एक इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं पर गोट पर कितना खर्चा हमको साल भर पर आने वाला है, कितना वो खाने वाली है ना। फिर अपन हम बात कर दाने के ऊपर, मैं बात करूंगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा दाने के ऊपर, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सप्लीमेंट के बारे में ही चर्चा करूंगा कि बकरी पालन में हम सप्लीमेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके ऊपर है ना मैं डिटेल जानकारी दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं केवल हरी घास और सूखी घास की। तो ये मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर किया सूखी घास के ऊपर जिसमें आप चने का, मसूर का, राहर का, है ना, सोयाबीन का, मक्का, बाजरा, मूंगफली हो गई, मूंग की फली हो गई, ये जो है आप इतने जो आपने देखे इनको अपन उपयोग कर सकते हैं सूखी घास के रूप में जिसको हम भूसा बोलते हैं, भूसे के रूप में। बहुत सारे किसान दोस्त लोग ये भी बोलते हैं कि सर हम क्या गेहूं के भूसे का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप गेहूं के भूसे का भी उपयोग कर सकते हैं। गेहूं के भूसे का उपयोग करने में आपको सावधानी ये रखनी है कि गेहूं का जो भूसा होता है उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और कहा जाए तो बकरियों के लिए वो थोड़ा सा पचने में समस्या आती है क्योंकि उसमें ज्यादा फाइबरस होता नहीं है वो, है ना। तो आपको समय पर नियमित रूप से डीवॉर्मिंग करना अनिवार्य हो जाता है ताकि वो पेट में जो उससे है ना
वर्म्स पैदा होने वाले हैं, जो कीटाणु पैदा होने वाले हैं, वो आप समय समय पर उनका उनको बाहर कर सके और आप आपके यहाँ पर बकरियां तंदुरुस्त रहें। तो आप नियम बिल्कुल आप हरी घास के साथ है ना, जो सानी होती है सूखे घास के भूसे के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, खास करके जो गेहूं का भूसा होता है उसको सानी बनाकर आप खिला सकते हैं, है ना। दाने को मिक्स कर सकते हैं चुनी का चोकर का उपयोग करके, उसको थोड़ा सा और रुचिकर बना के, ताकि बकरियां काफी रुचि लेकर उसे खाएं, क्योंकि सूखी अगर आप सूखा भूसा देंगे गेहूं के भूसे को तो वो बकरियां नहीं खाती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हो गए या सप्लीमेंट हो गया या कुछ ऐसे नमक हो गए जिनका उपयोग कर सकते हैं, या चुनी है चोकर है इसका उपयोग करके उसको थोड़ा सा रुचिकर बना के उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके क्या कर सकते हैं आप वहां पर उसका उपयोग कर सकते हैं, और बकरियां बड़े चाव से खाती हैं, है ना। आप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ हरी घास के ऊपर, हरी घास में हम क्या क्या चीजें खिला सकते हैं। सबसे पहली बात किसान दोस्त लोग उपयोग कर सकते हैं बरसीम का। बरसीम आप मार्केट से ले सकते हैं, बरसीम का बीज आता है, है ना, दाना मिलता है, वो आप अपने यहाँ पर छोटे से रकबे के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बरसीम जो एक ऐसा चारा है जो आपको 12 महीने कभी भी आपको मिल जाएगा, तो आप जब भी बकरी पालन शुरू करना चाहें, बकरी पालन के बारे में सोच रहे हो या बकरियां लाने के बारे में सोच रहे हो, तो 10 से 15 दिन के अंतराल में जब आप शुरू करें, है ना, उससे 10 से 15 दिन पहले ही बरसीम को क्या करें आप बो दें, ताकि जब आपके यहाँ पर बकरियां आए तो वो चारा जो है वो आपके यहाँ पर उपयोगी हो सके, आप उसको काटना शुरू कर सके। और एक ऐसा चारा है कि आप एक तरफ से काटते जाएंगे और दूसरी तरफ से ये उगता जाएगा, आप इसमें थोड़ा सा अगर यूरिया का छिड़काव कर देते हैं तो बहुत अच्छी इसकी उपज हो जाती है, बढ़ जाता है चारा, बहुत जल्दी बढ़ता है, इसमें ग्रोथ होती है, ताकि है ना हमको समय समय पर हमारी उपलब्धता पूरी कर सके। अब इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बकरियों को पचाने में बहुत आसानी होती है, पानी की कमी को दूर करता है, है ना, ये हो जाता है। दूसरा है चरी की खेती, चरी की खेती आप कर सकते हैं, जिसको बहुकटायन चारा भी बोलते हैं, है ना, बहुकटायन वाली ज्वार जिसको बोला जाता है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं बकरियों को हरी घास के रूप में। ये वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि आपको हरी घास किस तरीके से खिलानी है, है ना, किस तरीके से हम उसे सूखी घास के साथ मिक्स करके खिला सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर रेशियो भी बताऊंगा, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हरी घास में आप ले सकते हैं, है ना, इसमें प्रोटीन की मात्रा 7 से 9% होती है, जो मैंने बताई चरी की खेती में, तो ये काफी मददगार होता है, है ना। इसमें आपको देखने मिल जाएगा MP चरी के नाम से मिल जाती है ये, पूसा चरी वर्सीम के नाम, पूसा चरी 23 के नाम से मिल जाती है, SSG 89 के नाम से मिल जाती है, जिसको SSG है ना। इसके लिए जो भूमि उपयोगी है वो दोमट मिट्टी है, है ना। पहले साल इसका जो अगर हम इसकी बुवाई कर रहे हैं तो जून जुलाई में बुवाई कर सकते हैं, और एक बार तैयार होने के बाद फिर ये काफी समय लेता है, इसलिए आपको थोड़ी सी ज्यादा रकबे पर लगाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। फिर तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं हरी घास के रूप में, और इसका तो साइलेज भी बनता है, अगर आप देखें तो जो SSG घास है, है ना, इसका आप साइलेज वगैरह भी तैयार कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत ज्यादा उपयोग इसका जो पशुपालन कर रहे हैं, खास करके गाय भैंस ये कर रहे हैं, ये इन हरी घासों का उपयोग ज्यादातर करते हैं, डेयरी फार्मिंग के लिए इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। अपन इसे छोटे हिसाब से, छोटे रकबे के हिसाब से अपन बकरी पालन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अजोला उत्पादन। अजोला दोस्तों, है ना, इसमें मुख्य रूप से 25% प्रोटीन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। अजोला कैसे बना सकते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में जानकारी दी है, आपको वीडियो देखने मिल जाएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाएंगे या चैनल पर विजिट करेंगे तो वो आपको देखने मिल जाएगा कि अजोला हम कैसे तैयार कर सकते हैं, अजोला के क्या क्या फायदे हैं, है ना, ये एक घास के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, इसमें विटामिन कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम और कॉपर की मात्रा जो है वो पाई जाती है, जो बकरियों के लिए बहुत है ना उपयोगी है, और एक बार अगर आप इसको अपने फार्म पर लगाते हैं तो 5 दिनों पर ये दोगुना उत्पादन देता है। इसकी विशेषता यह है कि ये 5 दिनों में ही दोगुना हो जाता है, तो आप अजोला का उत्पादन अपने फार्म पर शुरू कर सकते हैं, जो आपको काफी मदद करने वाला है।
चौथा और लास्ट पॉइंट, मैं नेपियर घास की तरफ बात करता हूँ। नेपियर घास खास करके अगर हम देखें तो जो बड़े पशुपालक हैं, है ना, जो घास, जो गाय भैंस इनका उपयोग पशुपालन के रूप में करते हैं, तो वो इस घास का ज्यादातर उपयोग करते हैं। अपन नेपियर घास का उपयोग जो है वो सूखी घास बनाने के लिए, खास करके जहां पर साउथ की तरफ हम देखें जहां पर सूखी घास उतनी ज्यादा नहीं होती है, महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं, कर्नाटका की तरफ देखते हैं, हैदराबाद वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर जो सूखी घास है ये सारी चीजें उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती है, उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो नेपियर घास को साइलेज के रूप में तैयार कर सकते हैं। इसमें ये घास 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है और यह लगातार आपको एक बार बोने पर 4 से 5 सालों तक लगातार चारा जो है वो दे सकती है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा सेक्शन हरी घास का और सूखी घास का। आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हम क्या क्या चीजें हरी घास के रूप में और कौन कौन सी चीजें हम सूखी घास के रूप में दे सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपके यहाँ पर किस किस चीज की उपलब्धता कैसी है, उसके हिसाब से आपको क्या रेशियो रखना चाहिए। बकरी पालन अगर ध्यान देते हैं तो जो 60% अगर 40% का रेशियो रखते हैं, 60% वो सूखी घास और 40% अगर वो हरी घास मिक्स करके देते हैं, तो बकरी पालन में बहुत जल्दी ग्रोथ देखने मिलती है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप, और इसे आपको देने का भी तरीका बहुत अच्छा है, जो काफ कटर होता है, काफ कटर मतलब कहा जाए तो जो चारा काटने वाली मशीन होती है, आप उसे उसको काट कर, उससे काट कर अगर आप हरी घास को मिक्स करके देते हैं बकरियों को, तो वो भी है ना बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने मिलती है बकरियों में। पानी की कमी को दूर करता है, प्रोटीन की कमी को दूर करता है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं हरी घास में जो कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, विटामिन्स होते हैं जो हरी घास से बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे किए जा सकते हैं। पानी की कमी को दूर करता है, पचने में बहुत सहायक होता है ना। सूखी घास तो हो सकता है कि पचने में समस्या करे, परंतु हरी घास आपको बिल्कुल भी पचने में प्रॉब्लम नहीं करने वाला, इसलिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है। आप अपने यहाँ पर उपलब्धता के हिसाब से 60% और 30% भी दे सकते हैं, 50-50% भी रख सकते हैं। अगर आप मिक्स करके नहीं देना चाहते तो एक प्लान बना लीजिए कि सुबह आप हरी घास देंगे तो दोपहर में सूखी घास देंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हरी घास और सूखी घास के ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए और कैसे कैसे हम इसको खिला सकते हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट पर देखने मिल जाएगा। हरी घास और सूखी घास के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर भी देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, उन तक ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंचे। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। बकरी पालन की अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो है farmingguide.com के नाम से, आपको लिंक है ना डिस्क्रिप्शन पर देखने मिल जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका एक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।